हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक मोरल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जिसका टाइटल है विचारों की शोधता। तो कहानी शुरू करते हैं। एक राजा और नगर सेठ की घनिष्ठ मित्रता थी। नगर सेठ चंदन की लकड़ी का व्यापार करता था। एक दिन नगर सेठ के मन में विचार आया कि अगर राजा मर जाए तो उसके परिजन ढेर सारी चंदन की लकड़ियां अंतिम संस्कार के लिए खरीद देंगे, इससे काफी मुनाफा होगा। शाम को सेठ राजा से मिलने गया। नगर सेठ को देखकर राजा के मन में अचानक एक गलत विचार आया कि इस सेठ ने व्यापार से अपार धन दौलत जमा कर ली है, कोई ऐसा नियम बनाया जाए जिससे कि इसका सारा धन राज्य के खजाने में जमा हो जाए। इस तरह दोनों मित्र रोज मिलते थे और उन दोनों के मन में एक बार एक दूसरे के प्रति बुरा विचार जरूर आता। जिस जोश और उत्साह से वे दोनों पहले मिलते थे, अब उनकी मित्रता में वो जोश और उत्साह नहीं रहा। एक दिन नगर सेठ से रहा नहीं गया। उसने राजा से कहा, पिछले कुछ दिनों से हमारे रिश्तेपन में ठंडापन आ गया है, ऐसा क्यों है? राजा ने कहा, मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है। चलो, नगर के बाहर एक महात्मा जी रहते हैं, उनसे इसका कारण और हल पूछते हैं। दोनों ने महात्मा को अपनी उलझन बताई तो वे बोले, पहले आप दोनों शुद्ध भाव से मिलते थे, किंतु अब संभवतः कुछ बुरे विचार आप दोनों के मन में आ गए हैं। नगर सेठ और राजा ने अपने अपने मन के विचारों को महात्मा जी को बताया। महात्मा जी ने कहा, सेठ, तुमने यह क्यों नहीं सोचा कि राजा चंदन की लकड़ी का एक भव्य महल बनवाए, जबकि तुमने यह सोचा कि राजा की मौत हो जाए और उसके अंतिम संस्कार के लिए चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाए। अगर आप ये सोचते कि राजा एक भव्य महल बनवाए जो कि चंदन की लकड़ी का हो, तो इससे तुम्हारा भारी मुनाफा होता। तुमने राजा के बारे में गलत सोचा, इसलिए राजा के मन में भी तुम्हारे लिए कुविचार आया। वस्तुतः विचारों की पवित्रता से ही संबंधों में स्नेहता की मिठास बनी रहती है, इसलिए मन के विचार हमेशा शुद्ध रखें। तो मोरल स्टोरी राजा और उसके मित्र की, विचारों की शुद्धता बहुत जरूरी है। अगर आपको ये मोरल स्टोरी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हम ऐसी कोई और वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।